नारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आ गया भाई। ख़ास तौर पे इसमें जो देसी घी का तड़का लगा है, जवाब नहीं। और जो ये तड़का लगाते हैं असली घी का, तो वो तो जवाब नहीं। बहुत मुनफरिद जायका है तड़के वाली नारी जिसका सुन के मैं यहाँ पर आया था। पूरे कराची में आपको देसी घी का तड़का जो है नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताहा सराज। नाज़रीन हज़्र मामूल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकत आबाद अंगारा गोट में मौजूद हैं। अच्छा, अंगारा गोट कोई इसको ये नहीं समझ नहीं मिलते यहाँ पे, बस नाम से मशहूर है अंगारा गोट। नाम है और बहुत पुरानी आबादी है लियाकत आबाद की। वैसे तो लियाकत आबाद भी पुरानी आबादी है, लेकिन अंगारा गोट भी जो है पुरानी आबादी है। उसमें थोड़ी मिक्स आबादी कह लें, बलोच भी हैं इसके अंदर, सिंधी भी हैं और महाजिर भी हैं, सारे इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी आइटम मौजूद है, इसके बारे में ताबाई बताएंगे आपको। जी भाई, देसी आइटम राशिद भाई ने बताया, वो देसी आइटम है कराची वालों का मरगूब खाना निहारी। अच्छा, यहाँ की निहारी की खास बात यह है कि उस पर वो देसी घी का तड़का लगाते हैं, जो कि मैंने तो नहीं सुना, मेरे ख्याल से राशिद भाई कहीं और तो नहीं है देसी घी का तड़का? बिल्कुल नहीं है, अभी तक जो हमने नारियाँ खाई हैं उसमें देसी तड़का कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है, बिल्कुल। तो आप लोगों को बताते हैं वो निहारी तैयार कैसे होती है और कैसे तड़का लगता है। और भी आइटम्स उनके पास मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, ये जो देसी तड़के वाली नहारी है, इसका मैं रूट आपको बताता हूँ। ये लियाकताबाद डाकखाना है, डाकखाने से आप आएंगे तो ये पहला पेडेस्टल ब्रिज पड़ता है, इस ब्रिज के अंदर आपने आना है, ठीक है? ये वाली गली है, इस गली में आपने आना है। तो यहाँ हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखाते हैं। लियाकताबाद की गलियों में हैं ताहा भाई, और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही होंगी आपकी। बचपन गुजरा है यहाँ पे लियाकताबाद की गलियों में। थोड़ा अंधेरा है, ज़ाहिर सी बात है लाइटिंग वगैरह कम है यहाँ पे, लेकिन हम आपको लेके चलेंगे जुमा गुजर, जो कि देसी घी के तड़के की नहारी। ये जनाब हम तकरीबन आ गए हैं यहाँ पर। ये जनाब, ये हम पहुँच गए हैं जुमा गुजर पकवान। जुमा गुजर पकवान, जुमा गुजर नहारी, शीरमाल हाउस, आगे मिल्क शॉप भी है जनाब इनका। तो पूरी रेंज है इनके पास। तो आइए हम फिर चलते हैं यहाँ पर। ये जनाब हमारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? इस्लाम भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, आपकी नारी हम जो है ना ढूंढते हुए आए हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ट्राई करें। आपका बड़े मशहूर हो गए यहाँ बहुत कम वक्त में, माशाल्लाह नारी आपकी जो है ना ऐसी होगी ज़बरदस्त। ये आप जो है ना इंशाल्लाह पहले ट्राई करें, फिर इंशाल्लाह हम आप बताएँगे, आप ख़ुद बताएँगे। हम तो हर आदमी अपनी तारीफ करते हैं ना चीज़ की, आप खा के फिर आप बताते हैं भाई की तारीफ। भाई सुल्तान भाई, ये छोटे भाई सुल्तान पे
अच्छा माशाल्लाह सुल्तान भाई, तो आप बताएं ये देसी घी का आइडिया कैसे आया? देसी घी का मेरा डेयरी का काम है, मेरा डेयरी भी है, जैसे कि वो देखिए आप सामने डेयरी है अपनी। तो ये सहूलत देसी घी की सिर्फ हमारे पास मिलेगी, कोई शख्स नहीं डाल के इसको बोले ख़रीद के मैं अरेंज कर लूँ और मैं देसी घी का तड़का लगाऊँ, कोई नहीं लगा सकता। हमारा अपना डेयरी का काम है, जिसकी वजह भैंस पे हमारे घर का घी होता है, हम घर पे निकालती हैं, वालदा मेरी निकालती हैं, बाजी निकालती हैं, जो मलाई वगैरह होती है हम घर पे ही अपना, तो इसलिए देसी घी का तड़का हम अपनी आवाम को खिला रहे हैं। चले आज इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। क्यों ताऊ भाई ट्राई करते हैं फिर? इंतजार खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, तो अब हम ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसी निकाली। जनाब देखें ये इसको कहते हैं असली देसी घी, नकली देसी घी नहीं है भाई। खालिश जो देसी घी होता है उसकी जो खुशबू कह रहे हैं वो आ रही है ज़बरदस्त वाली। ओके आप बैठें, आपको इंशाल्लाह ट्राई भी कराते हैं, भाई के लिए बनाए एक अच्छी देसी तड़के वाली। भाई ये इनको उस्ताद को पहचान ले हैं, नियाज भाई जो है ना, ये जनाब ये इन्होंने निकाला है देसी घी और ये फ्राइंग पैन में इन्होंने रख दिया है गर्म होने के लिए। अच्छा जी हमारी ये निहारी का तड़का तैयार हो रहा है और अभी फ्राई पैन गर्म हो रहा है, फिर इसमें घी डाला जाएगा। ये आ गई जनाब हमारी निहारी, अब इसमें लगेगा तड़का। ये लग गया ज़बरदस्त वाला देसी घी का तड़का। ये देखें आप निहारी हमारी तैयार हो गई है। बिरयानी तो आपको माशाल्लाह बहुत मिलेगी, पर स्पेशल बांसमती चावल में आपको सिर्फ जुम्मा गुजर पकवान पे मिलेगी। बांसमती चावल 100% आपको दिया जाता है शादी ब्याह दीगर तकरीबात, बांसमती चावल क्योंकि आपको चेक भी कराएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप आएंगे तो आपको मज़ा आएगा। बांसमती बहुत कम है बेचने वाले भी और बनाने वाले भी। बीफ और चिकन अपने पास चिकन है, बीफ ऐड करेंगे इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट जो आप आएंगे तो बीफ ऐड होगी, आपको चेक भी करा दें। सर देख निकालो बेटा, ठीक है, ये सिर्फ बांसमती चावल में ही आपको जो है ना ये क्वालिटी, बारीक चावल पतला चावल खाने में हल्का। जनाब ये सुल्तान भाई हमें अंदर लेके जा रहे हैं, जनाब क्या दिखाना चाह रहे हैं सुल्तान भाई? ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अपना मेरा डेयरी का जो काम है, जो आपने बोला कि घी आप कहाँ से मतलब आता है आपके पास देसी घी, तो वो देसी घी मेरा डेयरी का भी काम है, मेरी डेयरी है, देखें सर आ जाएं ये माशाल्लाह। तो ये डेयरी घी वगैरह हमारे घर का जो यूँ हमें सहूलत है कि देसी घी का तड़का आपको इस बीएफ पे मिलता है, जो ये कि डेयरी का हमारा अपना काम है। आ जाएं ये मशीन वगैरह, लस्सी भी आपको दिखाते हैं, ये लस्सी के लिए स्पेशल मशीन मैंने बनवाई है जो कि आपको बहुत कम दिखने में मिलेगी। अच्छा, सफाई सुथराई का काफ़ी निज़ाम है मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं ये दूध की डेयरी की दुकान है, आपको कहीं से नज़र आ रही है तो बताएं कितनी सफाई का। ये देखें ये लस्सी है हमारी, आपको लस्सी भी चेक कराएंगे इंशाल्लाह। और ये मशीन हमने स्पेशल इसके लिए, इसमें कूल वगैरह इसी में होती है ना, इसमें कूलिंग का सफाई का निज़ाम है, वो मक्खियाँ ये वो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा दूध का चिलर है, ये तो घी की सब लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के पाक ने जो है नवाजा हुआ है, अल्लाह खुश रखे। ये सर निहारी यहाँ पे मौजूद है, बाकी दूध वगैरह का भी अच्छा सेटअप हो जाए, और काफ़ी रश लगा हुआ है, अमूमन दूध की दुकानों में इतना रश होता नहीं है, आप देखें बड़ा ज़बरदस्त वाला रश लगा हुआ भाई, लगता है आज तो है ना खा खा के हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि नारी भी है और बिरयानी भी है और लस्सी भी है आज, होने वाला है ज़बरदस्त। चलें फिर देखते हैं खाते हैं, देख सकते हैं रोटी की आप क्वालिटी, पिस्ता रोटी कहलाती है रोटी, आप कहीं भी लें तो ये पहचान रखिए कि रोटी पीछे से ऐसे पिस्ता रोटी कहते हैं, तो वो रोटी क्वालिटी वाली होती है। भाई ये तो पिस्ता तो खाया था, लेकिन पिस्ता रोटी जो है ना ये देख लें आप, जो रोटी उठाएंगे ये देख लें कलर ही पिस्ता कलर के लाते हैं, बेहतरीन ये अच्छी रोटी। दोस्तों हमारा ऑर्डर आ गया है और बहुत ही हैवी सीन है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ये हमारी स्पेशल निहारी है जिसमें नली मौजूद है और देसी घी का तड़का भी लगा हुआ है, साथ में हमारे साथ है बिरयानी जो कि ख़ास बासमती चावलों की है और फुल आप देख रहे हैं मसाले वाली बिरयानी, जो बिरयानी होनी चाहिए जैसी वैसी बिरयानी नज़र आ रही। सादी निहारी भी हमने मंगवाई है कि वो बग़ैर देसी घी के तड़के का मालूम हो जाए कि निहारी
कैसा है जायका। और साथ में है लस्सी मौजूद और यह है गर्मा गर्म रोटी। अब बारी है रिव्यू देने की, जायका टेस्ट करने की, कैसी नहीं आ रही है। तो मैं रोटी तोड़ता हूँ फिर आप लोग। रोटी भी काफ़ी मज़ेदार है, गरम गरम खाने का तो मज़ा ही। और अच्छा, सबसे पहले मैं सादी निहारी से ही चेक करूँगा, उससे निहारी के जो असल जायका है वो हमें मालूम हो जाएगा। बूटियाँ आप देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गली हुई है, सॉफ्ट हुई हुई है। अभी कोई मसाले में नहीं डाल लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुनफरिद जायका है और स्पाइसेस बैलेंस हैं, और कहना चाहिए इसमें ऑयल भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है, गोश्त भी जो है वो बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। आप देख रहे हैं कितना गुलाबी गोश्त है, अमून यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसका भी साथ साथ दे देता हूँ जो देसी घी का तड़का लगाया हुआ है इन्होंने। इसमें ख़ास तौर पर हमने डलवाई है बूम की बूटी, ये देखें आप, जो कि निहारी की जान होती है, और ये है साथ में नल्ली मौजूद। निहारी और पाए ऐसी चीज़ें कि आप थोड़ा सा इसको जो है वो बदतमीज़ी से आपको खाना पड़ता है। हाथ आप मेरे देख रहे होंगे डूब गए पूरे निहारी में। और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जनाबे वाला, ज़बरदस्त खाना हाजिर है। ताहा भाई तो बता चुके हैं आपको रिव्यू नारी का, लेकिन मैं दोबारा बताऊंगा भाई, मेरा अपना स्टाइल है। ये जनाब तड़के वाली नारी जिसका सुन के मैं यहाँ पर आया था, ठीक है, और यही इस होटल की जान है, जहन में रखिएगा। ये पूरे कराची में आपको देसी घी का तड़का जो है नहीं मिलेगा, 100% दावा कर रहे हैं जनाब। अभी हम ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका जायका कैसा है। बात वही है कि थोड़ा बदतमीजी के साथ खाना पड़ेगा। नहारी का जो है ना तरीक़ेकार वो यही होता है कि हाथ पांव ज़रा गंदे हो जाते हैं, पांव नहीं हाथ। तो ये ज़रा ये मैंने बोटी ली है। अच्छा, बोंग की बोटी है जो वाजे जो है नज़र भी आ रही है। ये नली है और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा निवाला ले लूँ कुछ ऐसा जो नज़र भी आया आपको। ये मैंने निवाला बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो ज़बरदस्त भाई, इस्लाम भाई सामने बैठे हैं, और मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि सामने बैठे हैं, मतलब वाकई नहारी का जो जायका है ना A1 जायका है। समझ लेंगे जो पहला निवाला है और उस निवाले में जो वाइब आ रही है, बेहतरीन वाइब आ रही है नहारी की। मतलब काफ़ी नहारियाँ मैंने खाई हैं, जावेद की भी खाई है, इदरीस की भी खा के आया लास्ट टाइम। इसका थोड़ा डिफरेंट जायका है और मज़ा भी आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक और निवाला खाऊँ और आपको दोबारा बताऊँ, कुछ कसर ना रह गई हो। आप ये देखें ना, ये नली से आप लें आप और फिर खाएँ। नली भी एक नंबर है, एक नंबर नली है, बेहतरीन। सादी दिखाता हूँ आपको, ये जनाब सादी नहारी है इनकी। अच्छा, वहाँ चूँकि लवाजमा थोड़े ज़्यादा होते हैं, ये जो तड़के वाली नहारी है इसमें कोई तड़का नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनकी अपनी ओरिजिनल नहारी है जो उमूमन लोग खाते हैं यहाँ के। ये मैंने बूटी ली है और ये नहारी ली। ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन। स्पाइसी कम है, मतलब मैं वही बात कहूँगा दोबारा कि जो नहारियाँ होती हैं, उमूमी नहारियाँ जो होती हैं उसमें क्या होता है कि लोग मिर्चियाँ ज़्यादा डाल के उसका जायका डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये, ठीक है, जिसकी वजह से एक जायका डेवलप हो रहा है नहारी का। बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं। यहाँ पर आएँ, जुमा गुजर नहारी, लियाकत आबाद, अंगारागुड़।
सही बताया ना मैंने, बी एरिया है, बस ये अंगारा गोड से थोड़ा टच करता है, मेन रोड से हमने रास्ता बता दिया है, जिसको आना हो वो आए, जुमा हफ्ता एतवार कोशिश करें ना आए क्योंकि बहुत रश होता है। आम दिनों में आए तो आपको ज़रा सुकून से खाने को मिलेगा, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, सूरत हाल कुछ इस तरह से ये है कि जब हमने नहरी शुरू की ना, बस पर हाथ नहीं रुका, ऐसी ज़बरदस्त नहरी थी, मज़ा आ गया। अभी ये नाश्ता भी है कि यहाँ पर बिरयानी भी मौजूद है। अच्छा, इसका इसके जो चावल है ना वो है बासमती, ठीक है, ये आप देखें खूबसूरत, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ओ जबरदस्त भाई, ता भाई ये आपको पहले खानी चाहिए थी क्योंकि आप जो है बिरयानी लवर हैं, और वैसे तो मैं हर तरह के खाने खा लेता हूँ, हमारे जो ताव भाई हैं ना वो बिरयानी के ज़्यादा हर दिल लजीज है बिरयानी, इनको ज़बरदस्त बिरयानी की बेहतरीन। और जो ख़ास बात है बिरयानी की वो बनी है बासमती चावल में, और बासमती चावल की बात ये होती है कि आप देखें ये हर कोई नहीं बना सकता बासमती चावल में बिरयानी, बिरयानी बासमती चावल में बनाना एक आर्ट है। आप देखें चावल बिल्कुल भी टूटा नहीं है और बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं है, खिला हुआ चावल है। सेला चावल में तो अनाड़ी भी बना ले, मगर बासमती में जो ना जो कारीगर होता है सही वाला वही बना सकता है। और बिरयानी की शक्ल से आपको नज़र आ रही होगी, मुझे तो स्पाइसी पसंद है इसलिए हमने स्पाइसी मंगवाई है बिरयानी, और अब मैं खा के बताता हूँ आपको कैसा जायका है। निहारी के चक्कर में बिरयानी थोड़ी ठंडी हो गई, मगर फिर भी A1 जायका है।